और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम ट्रांजिशंस के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूं और एक स्लाइड जो है तो डिजाइन करता हूं। उसके बाद उसमें हम कुछ ट्रांजिशंस अप्लाई करेंगे। तो मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशंस पे क्लिक करता हूं और यहां पे मैं टाइप कर लेता हूं वेलकम। वर्चुअल एकेडमी डॉट पीके सिलेक्ट किया इसको और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। यहां से वेलकम को यहां से बोल्ड कर लेता हूं, इसको भी बढ़ा लेता हूं। यहां से कलर चेंज करना है आपसे, कलर चेंज कर लें, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है। तो आप यहां से फॉर एग्जांपल मैं यहां से इसको एरियल ब्लैक देता हूं या फिर ओनली एरियल दे देता हूं इसका स्टाइल। ये चीज आ गई, इसको भी बोल्ड कर लें, थोड़ा बढ़ा लें। न्यू स्लाइड यहां से ले लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं कंप्यूटर सी कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पीपल यूज टू फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ऐड कर लिया। इसको भी मैं यहां से बोल्ड करना चाह रहा हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। साइज इसका बढ़ाना चाह रहा हूँ, साइज बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने अपनी स्लाइड में मैंने कुछ ऐड किया था, जैसे कि ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इसका साइज यहां से इस तरह कर लें और इसको यहां से ऐसे कर लें। अब इसको मैं यहां से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने फॉर्मेट में जाकर इसका स्टाइल चेंज कर लें। तो ये मैंने यहां से मैंने ये सारा काम किया था, देख सकते हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी काम करना है, इसको भी आपने स्टाइल देना है। इसको मैं यहां से यहां पे ले आता हूं और इसको भी यहां से यहां तक ले आता हूं या फिर इसको यहां से यहां तक ले आता हूं। इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से इसको जो है तो इसको भी आप यहां से बोल्ड कर लें, साइज थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा कम कर लेता हूं। और टेक्स्ट का कलर चेंज करने कर सकते हैं फॉर्म में जाके, आप इसको भी आप एक यहां से आप इसको दे सकते हैं। ओके, तो यहां तक ये काफी है। अब इसमें मैं एक फॉर एग्जांपल पिक्चर ऐड कर लेता हूं, इधर में जाता हूं और पिक्चर, और पिक्चर में आप यहां से क्लिप और भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक कर लेता हूं। यहां पे अगर आप क्लिप आर्ट लेना चाह रहे हैं तो यहां पे देखिए, आप यहां से सर्च करें क्लिप आर्ट, क्लिप बोर्ड, इंसर्ट पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, क्लिप आर्ट, इंसर्ट पिक्चर, यहां पे ऐड ऑन पिक्चर क्लिप आर्ट ऑन योर फाइल, इतने इस पे क्लिक करते हैं। टाइम लग जाएगा, मैं इंसर्ट में जाता हूं, जाने के बाद यहां पे पिक्चर ही ले लेता हूं, ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक कर लेता हूं, सर्च कर लेता हूं जी कंप्यूटर।
कंप्यूटर आ गया, यहां से आप जो भी सर्च करेंगे आप यहां से ऐड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहां पे ऐड कर लेता हूं जी, ऐड कर लेता हूं। देखते हैं यहां पे ऐड हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है यहां पे। ओके, यहां पे ऐड हो गया। इसको मैं यहां से थोड़ा साइज का थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ओके, अब इस पे हमने ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, तो मैं यहां पे सबसे पहले सॉरी एनिमेशंस से पहले, हां ये ट्रांजिशन है। इसमें क्या है कि मैं वेलकम बुक ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रहा हूं, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे देखिए, तो आप यहां पे क्लिक करें, ट्रांजिशन इस पे अप्लाई हो रही है। इसी तरह आप यहां पे इसको भी ट्रांजिशन बेसिकली पूरे पेज पे अप्लाई हो रही होती है, इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, देखें देखें ये नेक्स्ट आ गया। आप यहां से कोई भी ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं, देखें आप यहां से ये वाली अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहां से ये वाली अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, काफी सारे यहां पे आपके पास ट्रांजिशंस है। इसमें आप यहां पे देखें तो यहां पे और भी आपके पास यहां पे, जैसे कि मैंने इसको आप स्विच किया, स्विच राइट टू लेफ्ट करना चाह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट करना चाह रहे हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट हो गया, राइट टू लेफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहां से इसको जूम करता हूं, जूम होके आ गया, इसको भी आप यहां से आउट करना चाह रहे हैं, जूम आउट आउट हो जाएगा, zoom in करना चाह रहे हैं in हो जाएगा, zoom and rotate करना चाह रहे हैं zoom भी होगा और rotate भी होगा। तो यहां पे आप देखें इस पे काफी सारे, यहां पे gallery पे क्लिक करें gallery स्टाइल आ जाएगा, flip करते हैं flip आ जाएगा। अब flip में भी ऑप्शन है, लेफ्ट है राइट है, vertex पे क्लिक करते हैं vertex हो क्या आएगा, काफी सारे स्टाइल है। आप इसमें फॉर एग्जांपल इस स्लाइड को मैं देना चाह रहा हूं ये वाला स्टाइल, इस स्लाइड को मैं देना चाह रहा हूं यहां से ये वाला स्टाइल, तो आप अलग अलग दोनों स्लाइड्स को स्टाइल दे सकते हैं। आप प्रीव्यू करके देखें, अब F5 प्रेस करता हूं मैं, पहली स्लाइड का आ गई ये, दूसरी स्लाइड ये आ गई, पहली स्लाइड देखें तो आपके पास यहां पे ये, दूसरी स्लाइड यहां पे ये आ गई, तो ये आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह आप स्लाइड के साथ आप साउंड भी ऐड करना चाह रहे हो, तो आप यहां पे देखिए कर्सर साउंड है, अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा F5 प्रेस करूंगा, देख सकते हैं इस पे साउंड भी अप्लाई हो रहा है। आप यहां से साउंड भी देना चाहे, इस स्लाइड को देना चाहिए, वो पहली सेकंड वाली स्लाइड को मैंने दिया था, फर्स्ट वाली स्लाइड को भी आप साउंड देना चाहे तो आप यहां से फॉर एग्जांपल मैं इसको स्लाइड साउंड जो देना चाहूं वो क्लिक कर देना चाह रहा हूं। अब जब मैं F5 प्रेस करूंगा, तो फर्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, अगर गौर करें यस क्लिक का साउंड है। सेकंड वाली स्लाइड पे भी मैं अगर क्लिक का साउंड अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से क्लिक का या कॉइंस का मैं स्लाइड अप्लाई करना चाह रहा हूं, देखिए मैं F5 प्रेस करता हूं, तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं सर। इसी तरह इसमें ड्यूरेशन है, आप स्लाइड की ड्यूरेशन चेंज करना चाहें, जैसे कि मैं चाहता हूं मेरी जो स्लाइड है ये तकरीबन 5 जो है तो सेकंड के बाद वापस यहां पे मूव इतना टाइम लगाया, तो मैं F5 प्रेस करता हूं, देखिए आप कितना स्लो आपके पास यहां पे स्लाइड आ रही है, क्लिक करता हूं ये देख सकते हैं ये थोड़ा टाइम लगाई इधर, तो आप यहां से इसको ऐड कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे काम करेंगे, तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड में ये है कि जो मैंने यहां पे साउंड रखा हुआ है, जो ड्यूरेशन रखी हुई है, जो यहां पे मैंने इस पे ट्रांजिशंस रखी हुई है इस स्लाइड पे, वो सारी की सारी जितने भी से नीचे जितने भी स्लाइड हैं, चाहे हजारों स्लाइड्स हैं, सब पे वही अप्लाई हो जाएगा। तो आप यहां से इस पे ऐड अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऑन माउस क्लिक,
कि जब मैं माउस की क्लिक करता हूं तो तब मेरे पास स्लाइड जो तो मूव कर दी, जैसे कि मैं 5 प्रेस करता हूं, मैं थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कॉम्प्लिकेट कर लेता हूं। तीन चार स्लाइड बना लेता हूं ताकि ओके। अब देखिएगा यहां पे सब पे आ गया। अब मैं जब इसे मैं काम करता हूं ऑन माउस क्लिक, मैं F5 प्रेस करता हूं, डुप्लीकेट का कंट्रोल डी इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं यहां पे अब इस पे जब मैं काम करता हूं F5 प्रेस करता हूं कीबोर्ड से, तो यहां पे देखें मैं माउस की क्लिक प्रेस करूंगा तो तब मेरे पास यहां पे ये काम हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं नहीं जी ये ऑटो काम करे सारा का सारा, तो आप उसके लिए आप यहां से आफ्टर पे क्लिक कर लें और माउस क्लिक को छोड़ दें और यहां से आप टाइम दे दें इसको, आपके पास ये आपके पास मिनट आ जाता है, सेकंड आ जाता है, आपके पास यहां पे आवर आ जाता है, मिनट आ जाता है और यहां पे सेकंड आ जाता है। आप इसको सेकंड्स में दें, मैं 5 सेकंड्स को देना चाह रहा हूं, 50 सेकंड आ गया इसको 05 सेकंड कर लें। आफ्टर पे क्लिक करके आप इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप ये काम करके प्रीव्यू करके देखते हैं। देखिए ये खुद काम कर रहे हैं, यहां पे F5 प्रेस करता हूं, ये खुद ही काम कर रहे हैं। इस पे मैं माउस की क्लिक वगैरह कोई भी प्रेस नहीं कर रहा कुछ भी। तो यहां पे ये खुद ही काम कर रहा है। अगर आपके पास नहीं काम करते तो आप इसको सेव भी कर लें, आप सेव करेंगे तो फिर आपके पास ये यहां पे जो तो आफ्टर पे काम करेगा। आफ्टर पे काम करने के बाद यहां पे देखें, अगर मैंने देखें दो स्लाइड पे काम किया था इसने आफ्टर, आफ्टर के बाद आपने क्या करना है, ये जो सेटिंग है आप सब अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे क्लिक कर लें। अब आप F5 प्रेस करेंगे तो सारी की सारी स्लाइड पे यही सेटिंग्स होंगी सारी। तो देखें ये खुद ही सारा काम कर रहा है और अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स पे काम करेंगे तो ये सब पे यही काम करना स्टार्ट कर लेगा। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने इसके ट्रांजिशंस पे काम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसके एनिमेशंस पे काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।